पड़ोसी युवक पर लगा युवती को गोली मारने का आरोप। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज इलाके में घर में घुसकर एक युवती की गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने पास के रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है और युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी युवक का गोली लगा हुआ आज खादर क्षेत्र में शव मिला है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के दारा नगर गंज इलाके का है, जहां पर बाथरूम गई एक युवती पर पास के ही रहने वाले एक युवक पर गोली मारने का आरोप युवती के परिजनों ने लगाया है और घायल अवस्था में युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाले 24 वर्ष इंद्रजीत पुत्र स्वर्गीय प्रबोध कुमार रात 11:30 बजे घर में घुस गया, किशोरी के गोली मारकर फरार हो गया। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक 20 दिन से युवती को परेशान कर रहा था। किशोरी एक इंटर कॉलेज में 10वीं की छात्र थी, वो स्कूल जाते समय पीछा करता था। पुलिस ने इंद्रजीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस जांच कर रही थी कि शनिवार रात सूचना मिली कि एक युवक का गंज से 5 किलोमीटर दूर खादर इलाके में पेड़ के नीचे शव पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो शव इंद्रजीत का निकला। युवक के सीने में गोली लगी थी, गले पर रस्सी का निशान था। आशंका है कि गोली मारने के बाद उसे रस्सी के सहारे पेड़ पर लटकाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़का और लड़की का पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के बाप ने युवक को गोली मारकर हत्या कर दी है और फिर अपनी पुत्री के गोली मारने का ड्रामा रचा है। सूचना पर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रजन सिंह, सीओ सिटी अनिल कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस किशोरी से भी मालूम कर रही है युवक की हत्या किसने की। हर पहलू पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई है। देखते रहिए रियल इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्या है? हाँ, ये लड़की है, गंज 15 साल की उम्र है, गंज की रहने वाली है। इसके सीने में गोली लगी हुई है और हालत उसकी ठीक है, तो उसे भर्ती कर रखा है। कितनी गोलियां जो है? एक गोली लगी है सीने के तरफ, सीने के नीचे की तरफ।